मेरी जिंदगी में दोस्त और थार ना कमी नहीं हो रहा है। और थार की मॉडिफिकेशन, ओ भाई तूने तो पूरा शिमला बना रखा है भाई। हाँ ओहो, एक तो कल मैं सुबह 4 बजे सोया था। कल नहीं आज सुबह, ओ सॉरी, नींद में देख रहा कितनी। डीजल लेना है, पेट्रोल, ओ सॉरी, नींद का हैंगओवर खत्म नहीं हो रहा है तुम्हारा। हाँ यार कॉफी कम पिए लग रहा तुमने। हाँ कॉफी पियोगे यार? हाँ कॉफी पी लेंगे। सो ए गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मिलाल फिलहाल मेरे को तो नींद आ रही थी। मैं एक्चुअली कल सुबह सोया था 4 बजे, और उसके बाद क्योंकि एडिटिंग वेडिटिंग वाला काम करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है यार। थंबनेल बनाओ, एडिट करो, स्केड्यूल करो वीडियो, और सुबह के टाइम पे ना इतना टाइम रहता नहीं है क्योंकि सुबह के टाइम मोस्टली लेट ही उठता हूँ। बट आज करण में, आज नहीं एक्चुअली, करण ने 2-3-4 दिन पहले ही बोला था, जिस दिन मैं गाड़ी का मॉडिफिकेशन करा के आया था लाइट का, कि भाई इसके गाड़ी में भी ना एक तो अंडर बॉडी किट लगवानी है और 3-4 और चीज़ें जो करवानी है, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। बट फिर मैं गुड़गांव से ही गायब हो जाता था, तो अभी 2 दिन है बच्चे मेरे को फुकेट जाने में, तो मैंने कहा भाई इसी 2 दिन में अपना ये काम निपटा लेते हैं। कमल भैया से ऑलरेडी बात कर ली थी मैंने उस दिन जिस दिन मैं करोलबाग गया था, तो यहां से जा रहे हैं फिलहाल अपन करोलबाग टू गेट द मॉडिफिकेशन डन फॉर दिस कार। दिस कार इज प्योर स्टॉक, स्टॉक है ना, मतलब ये 2-3 चीजें जो एक्सेसरीज का पार्ट है जो महिंद्रा के सर्विस नहीं, महिंद्रा के शोरूम वाले आपको जबरदस्ती लगा के देते हैं अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए, विच वी ऑल नो। उसके अलावा इस गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ, आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं हुआ है, लाइट वाइट सब चीज स्टॉक है भाई। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएंगे, मतलब बेसिक मॉडिफिकेशन, क्योंकि देखो मॉडिफिकेशन करना कोई अंत नहीं है, और थार ऐसी गाड़ी है ना कि इसमें डेली पैसा लगा दो कभी गाड़ी मना नहीं करती। तो अपने बजट के हिसाब से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए प्रायोरिटाइज करके कुछ चीजें लेके चल रहे हैं, तो वो अभी देखेंगे क्या लगवाते हैं क्या नहीं लगवाते और वो आपको दिखाएंगे। भाई ये गाड़ी इतनी स्टॉक है ना कि भाई ने इससे आज तक पन्नी नहीं निकाली, आप समझो। कितने किलोमीटर चला ली तूने? 6400। बाप रे, भाई के पास पैसा देख रहे हो कितना ज्यादा है, 6400 किलोमीटर, और ये गाड़ी पेट्रोल है भाई, पेट्रोल गाड़ी को 6400 किलोमीटर भाई चला चुका है इसने। हाँ हाँ, तभी साला मैं लोहे का बम्पर लगाता हूँ, बता यार क्या आदमी है भाई। ऐसे लग रहा है पता नहीं कीड़े मकोड़े की तरह रोड पे चले पड़े हैं हम सब, बहुत बुरी हालत है भाई। ट्रैफिक के टाइम पे दिल्ली आना तो मतलब समझो जहन्नुम को दावत देना है। 3526 साल बाद हम पहुंच चुके हैं करोलबाग। अब वैसे तो 11:30 ही बज रहे हैं, बट यहाँ पे नॉर्मली भीड़ हो जाती है। और आज क्या है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे ट्यूसडे, मतलब मंडे करोलबाग बंद रहता है, इसलिए हमने ट्यूसडे को प्लान नहीं किया, बिकॉज जिनका मंडे काम नहीं होता ना वो ट्यूसडे आते हैं, तो वेडनेसडे थोड़ा सा खाली टाइप का रहता है। तो फिलहाल भी खाली है, देखो रोड के उस साइड ज्यादा गाड़ियां नहीं है, इस साइड तो ये पार्किंग वार्किंग को लेके गाड़ियां रहती हैं। अरे भैया आगे, भैया आगे, यहाँ पे उल्टा करके लगा लेना, कमल भैया बैठे हुए है, बस छोले कुलचे खाएंगे भाई, यहाँ तो मैं आया ही छोले कुलचे खाने। मेरे को आज बोलने वाला था छोले कुलचे के, क्योंकि मैंने ना उस दिन जब तू ओ थार की मॉडिफिकेशन कराने भाई, मैं तो जितनी बार आता हूँ उतनी बार खाता हूँ, बहुत जबरदस्त होता है। सबसे पहले तो हम सीट कवर्स देख रहे हैं, और मैंने करण को कहा कि ऑटो फोम ही लगवाना क्योंकि मेरी गाड़ी में लगा हुआ है। अब इसको ब्लैक नहीं चाहिए, तो उसमें 2 ऑप्शन अपने पास बचते हैं, एक तो ये कौन सा कलर है, ये ब्राउन है, ब्राउन है, और ये बैक में इसके ब्लैक है। हां ब्लैक टोन है ये। हां और ये आपका टैन कलर है, ये टैन कलर है। हां जी, हाँ तो कौन सा फाइनल करेगा वो तो अभी बाद में पता चलेगा। और सेम चीज़ ना, सेम जो सीट कवर्स होंगे ना वैसे ही अपने स्टेयरिंग भी करवा लेंगे ताकि वो सही लगे ना। हाँ जी, हाँ तो अभी देख ले, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब ये भी अच्छा, थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, बाकी गंदा हो जाएगा जल्दी। अरे अभी तक इसकी गाड़ी से प्लास्टिक नहीं उतरा है, स्पीडोमीटर पीछे वाले सीट में तो प्लास्टिक लगा हुआ है, भाई चलाता ही नहीं है, भाई के पास पैसा बहुत है ना, ये रहता नहीं यहाँ पे तो कैसे। मेरे पे डाल। और जी दूसरा है हेडलाइट। अब हेडलाइट के ना अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये हटा लूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ये किंगकॉन्ग है ना, ये किंगकॉन्ग, ये वाली आपकी किंगकॉन्ग है, और ये रैंगलर हो गई, रैंगलर जो मेरे में लगी है, ये जो नई वाली आई थी नाइट फोर्स की, हाँ, आपको दिखाई थी। हाँ ये वाली, और ये उल्टा यू वाली है जो। हाँ ये तो नहीं, मैं तो ये रेकमेंड करूंगा, बाकी अभी इसको जला के देख लेते हैं, इसका थ्रू ऑलरेडी देखा हुआ है हमने, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। प्लस ये ना दिन के टाइम पे भी ना बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें इंडिकेटर जलता है और इसमें इंडिकेटर नहीं जलता, तो मेरे को बेस्ट जो ये लगा था ना, सिंपल एंड एलिगेंट, और ये सबसे अच्छा और महंगा है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है, ये पीछे भी ना इसका अच्छा है, अदरवाइज इससे माइनस वाला देखेगा ना तो वो तो बुलेट वाला लाइट रहता है, नहीं रोज भैया? बिल्कुल बुलेट वाली। हाँ तो हमने भी ना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, इन दोनों को एक बार जला के देख लेते हैं, थ्रो पता चल जाएगा आपको। तो ये है इसका लो बीम, इसका लो बीम
हाँ ये हाई भाई, इसकी लाइट ना मतलब सफिशियंट है, और अजूम के प्रोजेक्टर्स के साथ मैं इसको जाता हूँ, मुझे लाइट इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, अजूम के प्रोजेक्टर्स ही इतने अच्छे है ना। इसमें ब्लू नहीं आएगी, और इंडिकेटर जो साइड में DRL है ना वो इंडिकेटर की तरह नहीं होगा। इसका इंडिकेटर एक बार जलाना ना भैया, जलेगा क्या? जलेगा तो उससे ना वही करवा लेगा तुम। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बट एक्चुअली ये देखने में भी अच्छा लगता है, अंदर जो सिल्वर है ना वो अच्छा लगता है। ठीक है भैया, ये वाला कर दो। ये वाला नया है, नया डब्बा चेंज हुआ है। हाँ तो ये वाले प्रोजेक्टर्स, इस प्रोजेक्टर्स को लगाने के बाद ना मतलब बहुत सारे ऐसे IPH आते हैं, बट ये वाला तो बहुत गाड़ियों में लगा यार, और मेरी गाड़ी में तो मैं तो फैन हूँ यार इस ब्रांड का ना, बहुत सही है इसका ना रिफ्लेक्टर, और ये ना इसका जो थ्रो है ना, बट इसका सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इसका सेटिंग नहीं रहा ना तो फिर लाइट का थ्रो अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि ये लाइन में थ्रो करता है। हाँ अगर हो सकता है तेरे को एक बार रात में भी आना पड़े, क्योंकि आज तुम दिन में है ना, हाँ तो उसके लिए रात में ना वो लेवल करके ना पप्पू भैया लेवल करते हैं, बट इसका अगर लेवलिंग हो गया ना बेस्ट है भाई, उसके बाद हेडलाइट वेडलाइट किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये नहीं आ गई ये वाइट, अच्छा ये इंडिकेटर, अच्छा मेरे में दोनों वाइट वाला ही, दोनों भागते थे ना। हाँ और ये जो सुबह टेम्पो वाले ने हल्की से सटाई थी उसकी वजह से ये पड़ा है। हाँ पप्पू भैया जल्दी हो जाएगा ना, पप्पू भैया को मैं कह रहा हूँ 1 बजे तक कंप्लीट कर दो, फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12, हो जाएगा 1 घंटे में करवा दो, प्लीज़ करवा दो। ये है जी अपनी अंडर बॉडी जो एग्जैक्टली मेरी गाड़ी में लगी है, इतनी हैवी है ना ये, नीचे पूरा अपना प्रोटेक्ट करेगी, तो ये अपनी गाड़ी में भी लगी थी तो इसमें भी लगवा रहे, क्योंकि ऑफ रोडिंग जाएंगे ना, इसकी लास्ट टाइम गाड़ी अंडर बॉडी नहीं थी तो डैमेज हो गया था, उसके बाद काफ़ी दिन तक महिंद्रा के सर्विस सेंटर पर खड़ी हुई थी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये लगवा लो ना तो अंडर बॉडी आपका काफ़ी प्रोटेक्ट रहता है। मेरे को अपना ना DF फिल्टर वाला गार्ड लगवाना है, वो भैया से पूछता हूँ कि वो उनके पास अवेलेबल होता है या नहीं होता है। भूख लग गई थी तो हम छोले कुलचे खाने जा रहे हैं, करोलबाग के सबसे फेमस छोले कुलचे। हाँ ये वाले, हाँ हाँ बस इतनी दूर है भैया, 2 प्लेट छोले कुलचे कर देना। सुन तो अरे हंस की रहा है, मैं कुछ ये उठाना एक बार, है ना भारी, भयंकर भारी है ना, तो एवरेज कम कराएगा मेरी गाड़ी। भाई तू रईस आदमी है, तेरे को एवरेज की कहाँ चिंता। भाई पेट्रोल लेने वाला जो भी थार पेट्रोल ले रहा है ना भाई, उसके पास मोटा पैसा है, मोटा भाई 5 का एवरेज देते हैं, 2-3 कम हो जाएगी तो क्या होगा, हर लीटर में 1 किलोमीटर चल जाएगी, चलेगी तो जरूर ना। नलका ही इसमें तो मैं कह रहा हूँ पेट्रोल पंप खरीद ले तू, अपना ही पेट्रोल पंप रहेगा, घर का पैसा घर में जाएगा। ये है अपनी रैंगलर वाली ग्रिल, इसको रैंगलर ग्रिल, हाँ मस्त लग रही है ना ये। इसमें भी ना 2 टाइप आता है, ये ABS वाला है जो मेरे वाले में लगा हुआ है ना भैया, ये वाला ज्यादा चमक रहा है, मेरा वाला नहीं चमकता। इसमें देखो ग्लिटर्स बहुत चमक रहे हैं, मेरा वाला उतना नहीं चमकता। मेरे लगवाने के बाद माल चेंज हो गया क्या? नहीं नहीं आपका भी इसी ब्रांड का ही है सेम। हाँ। और सेम क्वालिटी सब कुछ सेम है, बस वो ब्लैक है इसलिए ग्रे से आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ ये ज्यादा चमक रहा है, आपका जो ब्रांड न्यू लगा होगा ना वो भी ऐसे चमक रहा होगा, अभी तो हो गए। हाँ टाइम हो गया ना, ऑफ रोडिंग जब हम गए थे तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि हमारे आगे तो अपना गार्ड वार्ड लगा हुआ है लेकिन अपने पीछे गार्ड नहीं है, पीछे मतलब DF जहाँ पे DF लगता है ना, मतलब DF का जो ये स्टोरेज होता है वहाँ पे गार्ड नहीं है। तो भैया को मैंने बोला कि भाई उसके लिए भी कुछ इलाज करो, क्योंकि अगर वो टूट गया ना तो इंश्योरेंस में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो टूट नहीं सकता, वो बेसिकली इंश्योरेंस वाले को पता रहता है कि भैया बंदा ऑफ रोडिंग कर रहा होगा। तो ये दोनों एल्युमिनियम के हैं, एक फुल टैंक गार्ड है और एक सिर्फ DF गार्ड है, मतलब DF टैंक का जो गार्ड होता है ना वो है। तो अब अपनी थार लेके आता तो इसको भी लगवा लेता मैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे भी ऑफ रोडिंग में ना जब आर्टिकुलेशंस या फिर अलग से ऐसा स्टीप क्लाइंब करते हो ना तो पीछे टच होता है, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम लगवाऊंगा। ये देखो ये मेरे को ही मिल गया और ये एल्युमिनियम में है। ये शैकल हमें कवल भैया ने दिया, ये शैकल हमारे ना बम्पर में फिट आ जाएगा। जो लास्ट टाइम मैंने शैकल मंगाया था ना वो काफ़ी बड़ा था, मतलब वो डेफिनेटली वो टोइंग के लिए तो पर्पस के लिए बहुत अच्छा था, बट ये अपन प्राइमरली शो के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी इसको ना ब्लैक ये ना मैट ब्लैक टाइप का पेंट करा लेंगे, इसको रेड ऑलरेडी है, इसको मैट ब्लैक टाइप का करा लेंगे तो गाड़ी से मैच कर ले, और दोनों शैकल ऐसे लटकते हुए। यहाँ पे पप्पू भैया अपना ये फिट कर रहे हैं और भाई को मैंने कन्विंस कर ही लिया कि अजूम के प्रोजेक्टर्स डलवा ले और हेडलैम्प डलवा ले। भाई कह रहा था पैसा नहीं, मैंने कहा पेट्रोल गाड़ी चला रहा है तू ये सब मत ही बोल। स्पॉन्सर कर रहा है मेरे को। हाँ मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ भाई, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। 1 बजे मैं यहाँ कैब पकड़ के निकल जाऊँगा। पप्पू भैया 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, आप लेट करवाओगे पप्पू भैया आज। और
हाँ ये अपना सीट कवर हो गया, ये सीट कवर टैन कलर का, ये भी अच्छा लगेगा, एकदम डिफरेंट लगेगा। अपन टैन में ही इसका स्टेयरिंग भी रैप करा रहे हैं, तो स्टेयरिंग एक बार रैप हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी तो देखो टैन की स्टिचिंग आपको दिख रही होगी, ये टैन की स्टिचिंग ताकि सीट कवर से ये मैच करे। सही लग रहा है ना? अच्छे लग रहे हैं। तू बैठ के देखेगा ना, इसमें फील आ जाती है भाई। देखा हुआ हमने तुम्हारी गाड़ी में। हाँ, बस 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 ऐसी फील आई, फील ली है। बस इसको थोड़ा सा ना ड्राई क्लीन वाई क्लीन, क्योंकि लाइट है ना, मतलब लाइट तो नहीं है, इसका जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो अभी नहीं अपग्रेड करेंगे, क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा बजट लेके आया था मैंने, उसको ऑलरेडी बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दिया है, ये लगवा ले वो लगवा ले करके। बट ठीक है यार, जैसे मैंने बोला था ना कि ये पूरा मॉडिफिकेशन ना एक बार में कभी नहीं हो सकता, किसी भी गाड़ी में नहीं हो सकता। आप कितना ही पैसा लेके आओ ना भाई, आपको ना कुछ समझ में आ ही जाता है। प्लस क्वालिटी यार, जिस हिसाब से आप देखते हो ना उससे अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा वेट कर लेते वो लगवाएंगे। ये अपना स्टिचिंग ऐसे हो गया सेम इसके कलर का, ये धागा इसके कलर का, सही है भैया, अब सही लग रहा है। स्टेयरिंग कॉलम अच्छा, ये फुल वाला किया ना आपने? हाँ जी। हाँ ये फुल वाला किया, मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं किया था भैया आपने, मेरे घर में इधर चुपता है, मेरी वाली सही करना आपने, ये गलत है यार, मैं लेके आता हूँ, मेरी गाड़ी में ही सही नहीं किया इधर ना, मेरी वाली में पीछे पूरा तक नहीं है, ये आधा तक ही है, ये वाला जो है ना, ये वाला चीज ये यहाँ तक है, आपने इसमें पूरा अंदर तक किया है। भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 2:10 बाकी है, पप्पू भैया कह तो रहे हैं कि 2:30-3 बजे तक फ्री कर देंगे, बट अभी मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक बम्पर नहीं लगा है और अंडर बॉडी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो बम्पर लगने के बाद ही अंडर बॉडी स्टार्ट होगा। तो ग्रिल लग गया अपना, लाइट्स लग गए हैं, प्रोजेक्टर्स इसमें लग गए हैं, मतलब फॉग लैंप्स जो प्रोजेक्टर्स हैं वो लग गए हैं, अब बम्पर को फिट करना है, उसके बाद अंडर बॉडी में इतने सारे नट्स होते हैं ना कि भाई, अरे भैया भाई यहाँ पे तो हॉर्न की बहुत बड़ी समस्या है यार। फ्रेंड को बोला कि इसके टायर्स भी चेंज करा देगा, अरे भैया मैंने करण को बोला कि इसके टायर्स भी चेंज करा देगा, ये मैक्सिस के टायर्स क्या मैसिव लग रहे हैं यार, और ये अपने जो नॉर्मल स्टॉक टायर्स आते हैं C8 वाले वो हैं, तो ये टायर मेरे एग्जैक्टली सेम टायर मेरे में लगे हुए हैं भाई। इसकी गुड्डी और इसका जो स्टैंड है ना पूरी गाड़ी को इतना मस्कुलर बना देते हैं ना कि इस टायर में तो गाड़ी कुछ भी नहीं लगती। बाकी नेक्स्ट टाइम इसमें चेंज कराएंगे, इसका बम्पर चेंज कराएंगे और भी थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन देना, मतलब ये एग्जैक्टली मेरा गाड़ी है ना, बहुत तेज भाई। मैंने कैब बुक की है 1.2 किलोमीटर से, 10 मिनट में भाई पहुंच जाएगा। भाई हैप्पी मॉडिफिकेशन, हैप्पी मॉडिफिकेशन भाई। एक्चुअली इसमें टाइम लगेगा और शाम में मनोज भाई भी आ रहे हैं, तो और प्लस मेरे को भी एक दो छोटे मोटे काम है, तो अपन तो डिसाइड कर रहे थे कि अपना काम हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। एंड ठीक है यार, तसल्ली बख्श काम हो जाए ना तो बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, और अभी तो ये सारे पार्ट्स इसमें लगने हैं, तो करण अपना काम कराएगा, शाम में मिलेंगे अपन, ठीक है फिर लाइट का थ्रो चेक करेंगे। फाइनली कैब में आ गए हम, कैब बुक कर ली थी, तो ये सही है भैया, अभी पिन डाल देंगे 2636। गर्मी है यार बाहर, अगर थोड़ी देर चलो ना तो ऐसे गर्मी फील होती है, और अब यहाँ से अपने को पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर घर जाके रेडी होंगे, रेडी क्या होंगे, नहा लेंगे एक बार और फिर मनोज भाई से मिलने चलेंगे, आई उनको ही फ़ोन करता हूँ, 4:30-5 बजे तक उनसे मिलना है। भाई कैब में वैसे मस्त आराम से बैठो, चिल मार के थोड़ी देर सो भी जाओ, 1 घंटे का अपना जर्नी है। ये शैकल्स मैं भूल गया था, कवल भैया ने मुझे याद दिलाया कि ये शैकल्स लेके जाओ, इसको पेंट करा लेना आप, जब तक आओगे तब तक ये पेंट वेंट हो जाएगा, फिर अपने गाड़ी में लगा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा था कि इसके इस वाले होल में ये शैकल आएगा कि नहीं, परफेक्ट फिट आया भाई, परफेक्ट। अब बस इसको कलर करा लेना, क्योंकि ये सिल्वर सिल्वर अच्छा नहीं लगेगा, रेड एंड ब्लैक का जो थीम है ना इस गाड़ी का वो मेंटेन्ड रहना चाहिए। चल चल इधर आ, ये तू शैकल खाएगी क्या, ये ले ले दांत से पकड़ पकड़, दांत टूट जाएगा तेरा, पकड़ ना, भाग गई, पकड़ पकड़ दांत से पकड़ पकड़ स्कूबी, अरे वो टॉय है तेरा, ये पकड़ ना, तू तो बड़ी बच्ची है जी। आज हम बैठे हैं द मस्कुलर एंडेवर में। हाँ ये एम्बिएंट लाइट ना विक्रम भाई, इसमें इतनी सही लगती है ना, इसकी फिटिंग इतनी सही है ना, क्योंकि पूरा गैप है ना, तो एकदम सही। हाँ प्रॉपर फिटिंग है, हाँ और जहाँ जहाँ होनी चाहिए ना वही वही। एग्जैक्टली बहुत ओवरडन नहीं है। यहाँ पे हम आए गोलगप्पे खाने, मेरे को गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो सबको लेके तब आज गोलगप्पे खाएंगे, ये डिफरेंट रहेगा, हर दिन कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। हम अपने अड्डे पे एक कॉफ़ी बोला और एक ब्राउनी बोला है, ब्राउनी खाने का मन करता, मीठा खाने का, मतलब आज नॉर्मली ऐसे मीठा खाने का मन करता नहीं है, लेकिन आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा मीठा खाएंगे, मुँह मीठा कर लेंगे मीठा कर लेंगे, पता नहीं क्या ही यार, ये साला सुबह से कॉफ़ी नहीं गई ना, तो ऐसे आदमी ना नींद नींद में हो गया है।
काकड़ भाई की एंडेवर में आ गए हम और हम आ गए ड्राइविंग सीट पे। आज भाई नहीं, आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा ऐसा टाइप। बट कॉफी पीने के बाद नॉर्मली ये डायलॉग बाद में निकलता है, बट सीरियसली यार एंडेवर की ना तो क्या मस्कुलर फील है ना। मैंने स्पीति जाते वक्त ये गाड़ी चलाई थी और भाई साहब पहाड़ों पे तो भाई गाड़ी क्या मस्त भाग रही थी यार। मैं जब क्योंकि मैं थार से एंडेवर में आया था ना, तो मेरे को तो बॉडी रोल बिल्कुल फील नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं सेडान चला रहा हूँ। भाई सीरियसली यार मजा आ जाता है इस गाड़ी को चला के। प्लस चलो गाइस करते इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। थक गया यार मैं सर, सीरियसली थक गया। और कल का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल जो दो तीन अपने पेंडिंग काम है, ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली है ना, इसको अरेंज करना है और आपको एक एक चीज़ बताना है कि अगर आप इंटरनेशनल कभी ट्रैवल कर रहे हो तो अभी रूल्स क्या है, एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक दो दिन में फुकेत वाले ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ही हंगामा होने वाला है, ताबड़तोड़ मजा आने वाला है। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन पीस।